यूपी और असम का। बिहार वाले जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, पिछले बार जो कटअप गया था 22 का, तो देखिए कितना गया था। जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉक में। आज बात करेंगे जी हां एसएससी जीडी पर एक अपडेट आ गया है। जो आपकी वैकेंसी पड़नी थी, वैकेंसी बढ़ गई है। अब बात करेंगे इस पर कटअप पे क्या असर पड़ने वाला है और आपका रिजल्ट कब जारी होगा, सारे टॉपिक पे क्लियर करेंगे। और बहुत दिन से आपको मैंने बोर्ड पे वीडियो नहीं दिया था, तो आज बोर्ड पे आपको डिटेल समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज का एसएससी जीडी क्या होने वाला है, रिजल्ट आया, कितना वैकेंसी बढ़ा है और रिजल्ट कब आने वाला है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए एसएससी जीडी 2023 और 24 टोटल पोस्ट अभी आपकी बढ़ के हुई है 46,617 पोस्ट हो गई है। पहले आपकी 26,000 प्लस पे वैकेंसी थी, लेकिन पोस्ट को बढ़ा के, ठीक है ना, हालांकि हमने टेलीग्राम पे इसका पूरा नोटिस भेज दिया है। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से आप जाके मैसेजर के द्वारा आपसे बात कर सकते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी आपके डाउट होगा वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट में भी कर सकते हैं। चलिए टोटल पोस्ट हो गया आपका 46,617 पोस्ट हो गया आपके 2023 और 24 ये जो वैकेंसी है एसएससी जीडी वाले की। लेकिन बात करते देखिए 2023 और 24 में टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए हैं, आज थोड़ा सा उस पर एक नजर डालिएगा। देखिए टोटल अप्लाई फॉर्म जो किए गए थे ना, जनरल में सिर्फ अप्लाई किए गए थे 6,00,000, ठीक है ना, 45,177 फॉर्म अप्लाई किए गए थे जनरल से। वही ओबीसी का बात कर रहा हूं तो 21,14,972 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं तो 2,67,940 पोस्ट अप्लाई किए गए थे। वही एससी का बात कर लेता हूं तो 11,424 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। एसटी का बात करता हूं तो 6,11,474 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। वही ईएसएमए एक्स सर्विसमैन की बात करता हूं तो 5,514 फॉर्म अप्लाई किए गए थे, यानी टोटल 47,45,101 फॉर्म अप्लाई किए गए थे डाटा के हिसाब से। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि 2018 से लेकर और 2023 में कितनी वैकेंसी आई थी, कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे, कितनी कंपटीशन थी, उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। बाकी फिर बात करेंगे आपका रिजल्ट कब आ रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए 2018 का बात कर लेते हैं, टोटल फॉर्म कितना अप्लाई किए गए थे, 52,00,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे, जिसमें से पोस्ट कितना था, 60,210 पोस्ट थी और 30,00,000 एग्जाम कितने बच्चे ने दिया था, सिर्फ 30,00,000 बच्चों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया था, ठीक है ना। यानी कंपटीशन एक सीट पे आपको कितनी थी, 50, यानी एक सीट पे 50 बच्चे कंपटीशन फाइट कर रहे थे। वही जब 2021 की भर्ती आई, 18 के बाद आपका 19-20 नहीं आया, तो वही आपके 21 में जब भर्ती आई तो कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे, 71,00,000 फॉर्म अप्लाई कर दिए गए, क्योंकि 3 साल जो बच्चे थे उनका भी एज एक्सपायर हुआ था, कहीं वैकेंसी आई नहीं थी, तो 71,00,000 फॉर्म अप्लाई कर दिए गए थे, जबकि टोटल सीट कितनी थी, 25,000 प्लस में आपकी सीटें थी, ठीक है ना, 25,000 प्लस में आपकी सीट थी, ठीक है। तो कितने एग्जाम में बच्चे बैठे थे, 40,00,000 बच्चे एग्जाम में अटेम्प्ट किए थे। उस समय कंपटीशन कितना था, एक सीट पे आपको 158 बच्चे ने फाइट किया था 2021 में। लेकिन जैसे 2022 और 23-24 का वैकेंसी आया, सब नॉर्मल सा हो गया। जैसे देखिए 2022 में जब आपकी वैकेंसी आई थी तो टोटल फॉर्म 54,00,000 प्लस, यानी 10,000-5,000 एक्स्ट्रा मान लीजिए, 54,00,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। टोटल पोस्ट आपके कितने थे, 51,187 पोस्ट थे, ठीक है ना, यानी 36,00,000 बच्चे ने एग्जाम में अटेम्प्ट किया था, 54,00,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो यानी एक सीट पे बात करते तो 71 बच्चे ने कंपटीशन फाइट किया था। लेकिन यही आपका 2023 और 24 में जब एग्जाम आ गया, फॉर्म अप्लाई किया गया, तो टोटल आपका वैकेंसी पहले 26,000 था,
अब बढ़ा के आपके 46,617 कर दिया गया है। हालांकि मैं बार बार आपको पहले बता रहा था कि आप वैकेंसी मत देखिएगा, आपका काम है फॉर्म अप्लाई कर देना है। उसमें क्या, जब सीट इंक्रीज होता है तो दोबारा फॉर्म आपसे अप्लाई नहीं करवाया जाएगा। आप जो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर देंगे वो सीट उसी में बढ़ता है, और आप एग्जाम जरूर दीजिएगा। उस समय क्या है, सीआरपीएफ पैरामेडिकल का भी आपका फिजिकल हो रहा था, सॉरी आपका ट्रेड टेस्ट और मेडिकल हो रहा था, तभी हमने आपको बताया था कि आप जाके पहले अपना एसएससीजीडी का एग्जाम दीजिए, फिर आके सीआरपीएफ पैरामेडिकल को अटेंड कीजिए। अब देख लीजिए 2023 और 24 में टोटल फॉर्म कितना अप्लाई किया गया है, 47 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं। यानी 2018 से लेके 2024 का आंकड़ा ले लेते हैं तो कम होते गया, 52 लाख हुआ है। 21 में ज्यादा अप्लाई हो गए थे क्योंकि फॉर्म 2 साल का गैप था। फिर 14 लाख में 47 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे, सीट आपके 46,617 हो गया था, और एग्जाम में टोटल कितने बच्चे बैठे थे तो 31 लाख बच्चे एग्जाम अटेंड किए हैं, ठीक है ना। यानी एक सीट पे आपको 66 बच्चे यानी फाइट कर रहे हैं आपको सिलेक्शन लेने के लिए। अब ऐसा अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभी के युग में अगर हमें सिलेक्शन लेना है, मुझे एक सीट लेना है, तो मुझे 65 बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मुझे सिलेक्शन मिलेगी, ठीक है ना। अब ये बच्चे को हम कहां पीछे छोड़ देंगे, तो जो अभी रिजल्ट आ रहा है उसमें तो कितने बच्चे बाहर हो जाएंगे आपको पता है, आगे डिटेल में बात कर रहे थे। चलिए आ जाइए, पहले आपका पोस्ट कितना था, 26,146 पोस्ट था ना, 8 गुना को फिजिकल में बुलाना था पुराने वाले के हिसाब से, यानी कितने बच्चे आने वाले थे, 2 लाख, ठीक है ना, 9,168 बच्चे फिजिकल के लिए आने वाले थे। और वही मेडिकल की बात कर देता हूं तो 52,292 बच्चे आने वाले थे, ये आपके 26,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग। यानी आपको बात करता हूं 31 लाख बच्चों में से 29 लाख बच्चे बाहर हो जाएंगे, और रिजल्ट में किसी का पेपर में किसी के किसी कारण से बाहर हो जाएंगे, कितने, 29 लाख बच्चे बाहर हो जाएंगे। आप सोचो यही कॉम्पिटिशन कितना कम हो गया, जो 66 था अब कितना हो गया, 8 हो गया। एसएससीजीडी ने कितना कॉम्पिटिशन कम कर दिया, 8 कर दिया। उसके बाद से बात करते हैं अभी जो कॉम्पिटिशन क्या हो गया, ये देख लीजिए 46,617 पोस्ट है, 8 गुना बच्चे को, यानी अब जिनका नंबर कम था अब उन बच्चे को भी बुला लिया जाएगा। अब देख लीजिए 3,72,936 बच्चे को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है ना। यानी फिर भी अभी बात कर लेता हूं तो आपके कम से कम 26 लाख बच्चे बाहर हो रहे हैं एग्जाम वगैरह में, जिस किस चीज के में प्रॉब्लम है वो एग्जाम से लेके बायोमेट्रिक कोई नहीं गया, इसके कारण 26 लाख बच्चे बाहर हो रहे हैं। यहां कंपटीशन थोड़ा और कम हो गया, 8 कर दिया गया है। और वही मेडिकल के लिए बात करते हैं, 2 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा, तो पहले 52,000 बच्चे को बुलाना था अब 53,000 बच्चे को बुलाया जाएगा, यानी 1 लाख बच्चे को मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो जो आपका पहले हमने जो कट ऑफ बताया था वो कट ऑफ थोड़ा सा और कम जाएगा, कितना जाएगा तो एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में हमने आपको 3 स्टेट का बात किया है, बिहार, यूपी और असम का। बिहार वाले जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, पिछले बार जो कट ऑफ गया था 22 का, तो देखिए कितना गया था, 104 से लेके 122 नंबर जिसका भी था तो कोई ना कोई पोस्ट मिल गया था, यानी 104 से 122। ओबीसी वाले का 100 से लेके 118 गया था, कोई ना कोई पोस्ट मिल गया था। हालांकि कैटेगरी वाइज जनरल डिस्ट्रिक्ट, ओबीसी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, इसके लिए मैंने कट ऑफ बना दिया था। तो ये क्या है, पुराना कट ऑफ है। यही यूपी का बात करता हूं तो 108 से लेके 130 नंबर के बीच में जिस किसी भी बच्चे का नंबर था वो फाइनल किसी न किसी पोस्ट को उनका सिलेक्शन हो गया है। ओबीसी का 102 से 128, अब जो कट ऑफ बता रहे थे ना 120, 130, 140 कट ऑफ जाएगा, 135 जाएगा, मेरे भाई 135 जाएगा, सब किसके लिए जाएगा, अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ है। यानी जिसका 108 नंबर है ओबीसी का है तो उसका भी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपने जो फर्स्ट च्वाइस दिया होगा पोस्ट प्रिफरेंस में वो आपको न मिलकर दूसरा पोस्ट मिल जाए, ठीक है ना।
असम वाले का कम गया था 64, जिसका 64 से लेकर 70 के बीच में नंबर था उसको भी मिल गया जनरल डिस्ट्रिक्ट वालों को, और ओबीसी वाले को 59 से 62 के बीच में था उसको भी कहीं ना कोई एक पोस्ट मिल गया था। अभी बात कर रहे थे कि लेकिन आखिर अभी आपका कट ऑफ इस बार कितना कम जाएगा, तो इसी अकॉर्डिंग मान के चलिए इतना अगर आपका मार्क्स है 2022 के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको फिजिकल के लिए बुलाया जब जाएगा तो आपको फिजिकल पास करना पड़ेगा, और फिजिकल 5 किलोमीटर में बच्चे बहुत ज्यादा बाहर कितना होंगे आपको पता है कि अगर 3.5 लाख 4 लाख बच्चों को बुलाया जा रहा है 1 लाख बच्चे ही मेडिकल में आएंगे, यानी बात करता हूं तो 2,75,000 बच्चे फिजिकल में बाहर होंगे, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए अब कितने बच्चे 2,75,000 जब बाहर होने वाले हैं तो आपकी तैयारी क्या है और किस प्रकार से है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर अब आपका रिजल्ट कब आएगा, तो कल के डेट में आपके पोस्ट को बढ़ा दिया गया, जो 26,000 पोस्ट था अब उसको बढ़ा के 46,617 पोस्ट कर दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं ये पोस्ट को बढ़ाया गया तो आपके कटअप पे थोड़ा सा असर करेगा, कम जाएगा। अब आ गया रिजल्ट, आपको 20 तारीख से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी 20 से 22 तारीख के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 20 से 22, ठीक है ना, जून को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो जैसे अपडेट कोई आएगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये एक छोटा सा डाटा हमने आपको SSCGD पे दिया है, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई कमेंट रह जाता है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। टेलीग्राम का इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर फॉलो करके आप फॉलो कर लीजिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा इंस्टाग्राम से और टेलीग्राम से। आपका जो भी डाउट होगा इंस्टाग्राम से आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।